अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ी चिकन क्रेप सैंडविचेस की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको हम बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे। मैं इसमें सब्जियों का भी इस्तेमाल करूंगी। वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मैं आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर करूंगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रेप्स का बैटर तैयार करेंगे और एक खुले बर्तन में हम 1.5 कप दूध शामिल करेंगे। अब इसमें हम आधी टीस्पून नमक शामिल करेंगे और 3/4 टीस्पून हम इसमें चीनी का शामिल करेंगे। 1.5 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे और इन चीजों को दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1.5 कप मैदा शामिल करेंगे। मैदे को आप लोगों ने छान के इस्तेमाल करना है और एकदम से आप लोगों ने सारा नहीं डाल देना, बल्कि थोड़ा थोड़ा डालेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। क्रेप्स का बैटर तैयार करने के लिए आप लोगों ने दूध को रूम टेम्परेचर पे इस्तेमाल करना है, ना तो ज्यादा ठंडा यूज करेंगे और ना ही आप लोगों ने गर्म इस्तेमाल करना है। अब बैटर को किसी छन्नी में डाल के छान लेंगे ताकि इसमें किसी भी किस्म की गुठली बाकी ना रहे, और इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम सैंडविचेस के लिए चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इसमें 3/4 टीस्पून हम नमक का शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल का शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें फ्रेश लेमन जूस का शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। आधी टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और आधी टीस्पून हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टेबलस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे। 3 टेबलस्पून हम इसमें गाढ़ा दही शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में आप लोगों ने गाढ़े दही का ही इस्तेमाल करना है। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि कितने बड़े साइज के पीसेस हैं। आप लोगों ने भी इतने बड़े साइज के चिकन के पीसेस कट करने हैं। अब इस मैरिनेट किए हुए चिकन को कवर करके हम फ्रिज में 30 मिनट के लिए रख देंगे। चिकन के मैरिनेट होने तक हम जल्दी से क्रेप्स तैयार कर लेते हैं। अब एक पैन को हम ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे और इसमें 3/4 कप जितना हम बैटर डालेंगे। बैटर को डालते ही आप लोगों ने फ्राइंग पैन को गोल गोल घुमाना है और इस बैटर को चारों तरफ फैला लेना है। क्रेप्स को आप लोगों ने मीडियम आंच पे पकाना है और 1-2 मिनट बाद आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। जब क्रेप के दोनों साइड से अच्छा कलर आ जाएगा तो आप लोगों ने इसको उतार लेना है, और जब आप दूसरा क्रेप बनाने लगेंगे तो आप लोगों ने एक बार फिर से पैन को प्री हीट करना है। जो क्वांटिटी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे आप लोग 8 इंच के 6 से 7 क्रेप आसानी से बना सकते हैं। क्रेप्स को बनाने के बाद आप इसको कवर करके एक साइड पे रख देंगे। तो आइए अब यहाँ पर चिकन तैयार कर लेते हैं। अब एक पैन में हम 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसे ब्रश की मदद से फैला लेंगे और एक एक करके तमाम चिकन पीसेस को रख देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पका लेंगे। थोड़ी ही देर बाद चिकन और मसालों में से पानी निकलेगा और हम लोग इसी पानी से चिकन को पकाएंगे, और इसके अलावा इसमें पानी का इस्तेमाल हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। चिकन को पकाते हुए आप लोगों ने वक्फे वक्फे से इसकी साइड को बदलते रहना है। चिकन का पानी जब तक ड्राई ना हो जाए और जब तक इस पर आपकी मर्जी के हिसाब से कलर ना आ जाए, आप लोगों ने तब तक इसको पकाना है, और उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब तमाम चिकन पीसेस को अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे और छुरी की मदद से हम इसकी लंबाई में कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप अपनी मर्जी के हिसाब से जैसे मर्जी कर सकते हैं। अब उसी पैन में जिसमें हमने चिकन को बनाया था, हम कुछ सब्जियों को ग्रिल कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च ली है और एक मीडियम साइज की प्याज ली है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब साथ ही हम इसमें कट किया हुआ चिकन शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से ग्रिल करेंगे ताकि सब्जियों में भी अच्छा सा चिकन का टेस्ट आ जाए। सब्जियों और चिकन को ग्रिल करते हुए आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम रखना है। तो चलिए जल्दी से सैंडविचेस तैयार करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक क्रेप लेंगे और उसकी एक साइड पे छुरी की मदद से कट लगाएंगे। जहाँ पर हम लोगों ने कट लगाया है उससे थोड़ा हटकर हम लोग मोजरेला चीज रखेंगे और तैयार की हुई सब्जियां और चिकन हम इसके ऊपर रखेंगे। सैंडविच की स्टफिंग आप लोगों ने ना तो ज्यादा करनी है और ना ही कम करनी है। अब हम इसके ऊपर दोबारा से मोजरेला चीज रखेंगे। अब इसको कवर करके एक ट्रायंगल की शेप दे देंगे। मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि मैं बहुत आसान तरीके से आपको सैंडविचेस बनाना सिखा सकूं, लेकिन आपको जो तरीका आसान लगता है आप उस तरीके से क्रेप सैंडविचेस बना सकते हैं। अब इसी तरीके से हम तमाम क्रेप सैंडविचेस तैयार कर लेंगे।
अगर आप क्रेप की इस रेसिपी से बड़े साइज के क्रेप बनाएंगे तो आपके 4 बनकर तैयार होंगे और अगर आप मीडियम साइज के बनाएंगे तो 6 बनकर तैयार होंगे। अब तैयार किए हुए क्रेप सैंडविचेस को हम प्यारा सा गोल्डन कलर देने के लिए एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल का डाल के उसे ब्रश की मदद से फैला लेंगे और अब तमाम ट्रायंगल्स को हम पैन में रख देंगे। हल्का सा ऑयल मैंने पैन पे लगाया था और अब मैं हल्का सा ब्रश की मदद से ऑयल इन तमाम सैंडविचेस के ऊपर लगा रही हूँ ताकि दोनों तरफ से ये थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाएं और प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ जाए। यहाँ पर हम फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे क्योंकि हमें सैंडविचेस को कलर देना है और चीज को सिर्फ मेल्ट करना है। दोनों साइड पे गोल्डन कलर आने के बाद आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ कर देना है। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे क्रेप सैंडविचेस कितने जबरदस्त बनकर तैयार हुए हैं और चीज भी कितनी परफेक्ट तरीके से मेल्ट हुई है। बहुत ही मजेदार, यमी और क्रिस्पी किस्म के ये हेल्दी क्रेप सैंडविचेस बनकर तैयार होते हैं। अब मैं आपको एक क्रेप सैंडविच तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस कदर चीजी बनकर तैयार होता है। जब आप लोग इस हेल्दी नॉन फ्राइड रेसिपी को एक बार बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की ये नॉन फ्राइड हेल्दी रेसिपी भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक और कॉमेंट करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ट्राई समथिंग डिफरेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चिकन शवारमा बाइट्स की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि ईद की दावत और अफ्तार की दावत के लिए बेहतरीन रेसिपी है। वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मैं आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर करूंगी। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो यहाँ पर टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, आइए ये मज़ेदार सी चिकन शवारमा बाइट की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर शवारमा के लिए पीटा ब्रेड की डो तैयार करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर 3/4 कप नीम गर्म दूध लेंगे और इसमें 1/2 टेबलस्पून हम चीनी का शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून खमीर का शामिल करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए और इसको कवर करके हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद खमीर इसमें एक्टिव हो चुकी है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून जैतून का तेल शामिल करेंगे। अगर आपके पास जैतून का तेल ना हो तो आप यहाँ पर किसी भी किस्म के कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मिक्स करके एक साइड पे रखेंगे और इसका इस्तेमाल हम आगे चलकर करेंगे। अब एक खुले बर्तन में हम 2 कप मैदा लेंगे जिसका वजन 300 ग्राम तक होना चाहिए और इसमें 1/2 टीस्पून हम नमक का शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक आप अपनी मर्जी के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें दूध और खमीर का मिक्सचर शामिल करेंगे और इसको गूंद लेंगे। खमीर का मिक्सचर आप लोगों ने एकदम से नहीं डालना बल्कि आप लोगों ने इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। डो को हम लोग यहाँ पर नॉर्मल आटे से थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदेंगे। 5 मिनट तक आप लोगों ने इस डो को गूंदना है और एक स्मूथ सी डो तैयार करनी है। थोड़ा सा अब हम इसके ऊपर जैतून का तेल लगाएंगे ताकि डो जो है वो ऊपर से ड्राई ना हो और इसको कवर करके 2 घंटे के लिए रख देंगे या आप लोगों ने उतनी देर के लिए रखना है जब तक ये साइज में डबल ना हो जाए। शवरमा के लिए हम लोग यहाँ पर 500 ग्राम बोनलेस चिकन लेंगे और इसको बहुत ही छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इसमें हम 1 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें अदरक का पाउडर शामिल करेंगे। अगर आप लोगों के पास पाउडर ना हो तो आप लोग फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी का शामिल करेंगे और 1/2 टेबलस्पून हम इसमें सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे। 3/4 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस डालेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें चिली सॉस यानी हॉट सॉस का शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें जैतून का तेल शामिल करेंगे और 1 चुटकी हम इसमें येलो फूड कलर की शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 घंटे के लिए फ्रिज में इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। फूड कलर बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, मैंने सिर्फ चिकन को कमर्शियल लुक देने के लिए इसमें कलर का इस्तेमाल किया है। चिकन को 1 घंटा मैरिनेट करने के बाद अब हम इसको एक पैन में डालेंगे और मीडियम आंच पर इसको पकाएंगे। इस रेसिपी में मैंने चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल किया है, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग चिकन थाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आप लोग चाहते हैं कि जब आप लोग घर पर चिकन शवरमा बाइट्स तैयार करें तो उसका टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा हो, तो आप लोगों ने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और एक भी मसाले को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। अब चिकन को कवर करके हम 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जब चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा तब आप लोगों ने इसमें मौजूद पानी को थोड़ी सी फ्लेम हाई करके ड्राई करना है और फिर फ्लेम को ऑफ कर देना है। यहाँ पर हमारी डो को रखे हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और ये साइज में डबल हो चुकी है। अब आप लोगों ने इसमें मौजूद एयर को निकालना है और एक दफा इसको भूनना है। अब एक साफ सरफेस पे आप लोगों ने थोड़ा सा ड्राई मैदा छिड़क कर इस डो को थोड़ा सा हाथ की मदद से पहले फ्लैट करना है और फिर रोलिंग पिन की मदद से इसको आप लोगों ने बेलना है। जितना आप इसको बेल सकते हैं आप इसको बेलेंगे। और याद रखिएगा, आप लोगों ने इसको रोटी की तरह पतला नहीं बेलना। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने इसकी थिकनेस इतनी ही रखनी है। अब एक फोक की मदद से हम इस पे छोटे छोटे सुराख करेंगे। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों ने इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। अब एक कटर लेंगे और इसकी मदद से हम छोटे छोटे सर्कल्स काट लेंगे। अगर आप लोगों के पास कटर ना हो तो आप लोग किसी भी जार के ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है, इससे आप 18 से 20 मिनी पीटा ब्रेड्स बना सकते हैं। अब इन तमाम पीटा ब्रेड को आप लोगों ने पकाने से पहले कवर करके 15 मिनट का रेस्ट देना है। तो आइए जल्दी से एक सैलड तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 1 कप बारीक कटे हुए खीरे इस्तेमाल करेंगे, 1/2 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल करेंगे, 1/2 कप बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 से 5 जैतून लिए हैं और इसको छोटा छोटा काट दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 2 टेबलस्पून हम इसमें धनिया शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और 1 से 2 टेबलस्पून हम इसमें मेयोनीज के शामिल करेंगे। इस सैलड में आप लोगों ने नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप लोग इसमें नमक शामिल करेंगे तो तमाम सब्जियां इसमें पानी छोड़ देंगी। अब जल्दी से एक सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हम 1/2 कप मेयोनीज लेंगे और इसमें 3 टेबलस्पून हम चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक साइड पे रख देंगे और इसका इस्तेमाल हम आगे चलकर करेंगे। पीटा ब्रेड्स को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब एक हम फ्लैट पैन लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर प्री हीट करेंगे और इस पे एक एक करके तमाम पीटा ब्रेड्स रखेंगे। जब पीटा ब्रेड्स पे हल्के हल्के बबल्स आने लगेंगे तब आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करना है और वक्फे वक्फे से आप लोगों ने इनकी साइड्स को चेंज करते रहना है और दोनों साइड से आप लोगों ने एक जैसा पकाना है। पीटा ब्रेड्स को आप लोगों ने अपने आप से पकने देना है, किसी भी कपड़े की मदद से या चम्मच की मदद से आप लोगों ने इसको प्रेस नहीं करना। अगर आप लोग इसको पकाते हुए प्रेस करेंगे तो ये बहुत ज्यादा सख्त हो जाएंगी। पीटा ब्रेड्स को देर तक सॉफ्ट रखने के लिए आप लोगों ने तैयार करने के बाद इसको एक कपड़े में अच्छी तरह से कवर कर देना है। शवरमा बाइट तैयार करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले इसके ऊपर मेयो सॉस लगानी है। सॉस लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी सैलड रखेंगे। सैलड लगाने के बाद अब हम इसमें तैयार किया हुआ चिकन रखेंगे। चिकन की फिलिंग करते हुए आप लोगों ने पीटा ब्रेड को हाथ में लेके थोड़ा सा बेंड करना है और मुनासिब मिकदार में आप लोगों ने इसमें चिकन की स्टफिंग करनी है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हम तमाम पीटा ब्रेड्स तैयार कर लेंगे। अब इसको प्रॉपर शेप देने के लिए हम यहाँ पर कपकेक्स का एक पैन लेंगे और इसको उल्टा करके इसके सेंटर में जितनी भी स्पेस है इसमें तमाम पीटा ब्रेड्स को अरेंज करेंगे ताकि ये अपनी शेप को होल्ड कर ले। अगर आप लोगों के पास ये वाला पैन नहीं है तो आप लोग मेरी स्पाइसी मैक्सिकन मिनी टाकोस की वीडियो को जाकर देखें। उसमें मैंने बहुत ही यूनिक किस्म का एक आइडिया शेयर किया है, आप उसको फॉलो करते हुए ये बाइट्स तैयार कर सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी के साथ ये मज़ेदार से चिकन शवरमा बाइट्स बनकर तैयार होते हैं। अगर आप लोग बिल्कुल बाजार जैसा शवरमा और बाजार जैसे सॉस तैयार करना चाहते हैं तो आप लोग मेरी चिकन शवरमा की वीडियो को देखें, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये चिकन शवरमा का यूनिक सा आइडिया भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब आप लोगों ने भी इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। रेसिपी पसंद आए तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक और कॉमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो फ्रेंड्स, ट्राई समथिंग डिफरेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।